सो हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ फिर से कस्टम रोम के बारे में ऑन रेडमी नोट 8। एंड अगर आप रेडमी नोट 8 यूज़र हो तो आप इस चैनल को बेझिझक यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं 101% यहाँ पे सिर्फ रेडमी नोट 8 पे वीडियो लाता हूँ कस्टम रोम की। एंड पिछले भी बहुत सारे वीडियोज हैं जो अगर आपने देखे नहीं होंगे तो आप देख सकते हैं, बहुत सारे एंड्रॉइड 12 कस्टम रोम के रिव्यू मैंने करे। एंड फिर से मैं लाया हूँ एक और कस्टम रोम का रिव्यू जो कि है एंड्रॉइड 12 नुसन तारा, एंड जो कि बहुत ही पॉपुलर कस्टम रोम है। यहाँ पे बहुत सारे कस्टमाइजेशन देखने को मिलते हैं। एंड एंड्रॉइड 12 में इतनी कस्टमाइजेशन है या फिर नहीं है तो आज के वीडियो में बात करेंगे उस पर। एंड कैसा कुछ परफॉर्मेंस है इसके बारे में भी बात करेंगे। एज यूजुअल मैं 7 दिन से ज़्यादा तक यूज़ करता हूँ और देन आपको रिव्यू देता हूँ, ताकि मैं आपको बेटर तरीके से बता सकूँ कि कैसे बैटरी बैकअप है, कैसे परफॉर्मेंस है एंड और कुछ। सो स्टार्ट करते हैं पहले, एंड लेट्स बिगिन द वीडियो। एंड आई एम कुलदीप। सो मैं आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूँ, एंड मैंने यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके रखी है, तो सिंपली मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। यह है यहाँ पे होम स्क्रीन नॉर्मल सी, एंड इसको ऑन करते ही जो एंड्रॉइड 12 वाला नॉर्मल है, सब कुछ मटेरियल थीम्ड है यहाँ पे। बट यहाँ पे जो हमें देखने को मिलता है लॉन्चर, जितने भी मैंने वीडियो बनाए सब की जगह आपको पिक्सल लॉन्चर देखने को मिलता था, बट यहाँ पे पिक्सल लॉन्चर नहीं है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है क्विक स्टेप, एंड क्विक स्टेप ठीक है, अच्छा है, एंड्रॉइड 12 का अभी फिलहाल ही बनाया है तो यहाँ पे ज़्यादा कस्टमाइजेशन अवेलेबल नहीं है हमें। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। देन विजिट्स में हमें विजिट्स मिल जाते हैं सभी के सभी, एंड यहाँ पे एंड्रॉइड 12 वाली क्लॉक्स अवेलेबल है। आपको सिंपली अगर आपको नहीं दिखते हैं, यहाँ पे जो हमारी क्लॉक ऐप है उसको अपडेट कर दीजिए, आपको ये वाले जो विजिट्स है अवेलेबल हो जाएंगे, तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देन मैं आपको लेके चलता हूँ वॉलपेपर्स एंड सेटिंग में। देन यहाँ पे मुझे थोड़ी दिक्कत लगी, मतलब यहाँ पे मटेरियल थीमिंग है बट जो यहाँ पे आइकन्स होते हैं जो कि हम एंशियंट कलर को चेंज कर सकते हैं, वो यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो पिक्सल लॉन्चर नहीं है एंड यहाँ पे जी एप्स बिल्ड भी नहीं है, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता है। एंड यहाँ पे थीम्ड आइकन का ऑप्शन है जिसको मैंने अनेबल करा है, एंड अच्छे से वर्किंग है ये फीचर, कोई भी यहाँ पे बग एक्सेट्रा नहीं है। एंड ग्रिड का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, बहुत सारे ग्रिड्स अवेलेबल है, एंड डार्क थीम तो है ही। एंड ये सारा था लॉन्चर के बारे में एंड थीम्स के बारे में। एंड अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे आप कस्टमाइज कर सकते हैं, जो कि मैंने वॉल्यूम पैनल को नीचे ले लिया है, एंड थोड़ा कूल लग रहा है एज कम्पेयर टू स्टॉकिश, एंड सही है। एंड अगर आप बताऊँ यहाँ पे तो ये जो है कंट्रोल पैनल वाइट वाला है, एंड थीमिंग बहुत सही लगी मुझे यहाँ पे, वॉलपेपर से सही कलर पिक करे है जो कि मेरे फेवरेट, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सही लग रहा है स्क्रीन यहाँ पे। उसके साथ अगर बताऊँ तो यहाँ पे पेंसिल में, मतलब एडिट में, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, एक मोबाइल एंड वाईफाई। मुझे एक थोड़ा बग मिला यहाँ पे, बग नहीं कहूँगा मैं, बट वो जो लेटेंसी होती है ऐसा कुछ कह सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं ब्लूटूथ को ऑन ऑफ करता हूँ, देन अगर मैं इसको ऑन करूँगा तो अभी ये ब्लू हो गया, बट बहुत बार ऐसा होता है कि अगर ये ऑन भी हो जाए बट ये वाइट ही रहता है। यहाँ पे देखिए, मैंने ऑफ कर दिया फिर भी ये रेड है, अगर मैं इसको नीचे खींचूँ तो ये ऑफ दिखाता है एंड अभी ये वाइट हो गया। तो ये दिक्कत यहाँ पे मुझे सभी टॉगल्स में लगी, थोड़ा टॉगल का प्रॉब्लम है, ठीक है, इतना भी कोई बड़ा इशू नहीं है, एंड नॉर्मली इसको आप इतने नोटिस नहीं करोगे। देन यहाँ पे बाकी सारे वाईफाई मोबाइल डेटा का भी ऑप्शन है, बट उसके साथ भी वही केस थी इसलिए मैंने सिर्फ इंटरनेट को यूज़ करा है, लोकेशन इन्वर्ट का बाकी सारे फीचर्स है। एंड अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पावर मेन्यू, और यहाँ पे 3-4 ऑप्शन है, उसके साथ सेटिंग में लेके चलूँ तो यहाँ पे आपको मिलेगी एक न्यू UI जो कि यहाँ पे नेटवर्क एंड बैटरी का जो ऑप्शन है यहाँ पे चेंज हो चुका है, एंड अबाउट फोन यहाँ पे आगे देखने को मिलता है हमें, एंड बाकी सब नॉर्मल फीचर्स। तो UI तो मैं आपको ज़्यादा नहीं दिखाना चाहूँगा क्योंकि सभी वीडियोस में मैंने वही दिखा है, मैं एक्चुअल में आपको दिखाना चाहता हूँ कि आपको परफॉर्मेंस कैसा मिलेगा, क्या नई चीज़ें देखने को मिलती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेडमी नोट 8, एंड यहाँ पे जो हमें एंड्रॉयड 12 में जो कर्नल देखने को मिलता है वो बहुत OP कर्नल है, मतलब मैं कहना चाहूँगा बहुत सही कर्नल है। और बाय द वे मैं इसको बैकअप कर लेना चाहता हूँ, अभी मैं इसको बैकअप करूँगा जिस ताकि मैं नेक्स्ट कस्टम रोम जो भी इंस्टॉल करूँ वहाँ पे इसको रिस्टोर करके यूज़ करूँ, क्योंकि इसका बैटरी बैकअप एक्सट्रीम है, बहुत सही बैटरी बैकअप मुझे मिला है, एंड मैं तो फैन हो गया इस कर्नल का। इसका नाम यहाँ पे दिया गया नहीं है, यहाँ पे सिर्फ लेना है कि लिनक्स वर्जन 4.14.254 प्रेफर प्लस, एंड बाकी कुछ भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट कर्नल बहुत सही है, एंड बाकी तो सब नॉर्मल ही है। 4.0 यहाँ पे नुसन तारा का वर्जन है, एंड ऑफिशियल बिल्ड है एंड एनफोर्सिंग बिल्ड है।
देन यहाँ पे लेके चलता हूँ आपको संतरा विंग्स में, जो कि हमें कस्टमाइजेशन का सेक्शन है। एंड कस्टमाइजेशन में हमें मिलता है थीम, यहाँ पे विंग्स बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हो, उसके साथ जो स्टाइल है इसकी कैटेगरी की इसकी भी चेंज कर सकते हो, बट मैंने इसको स्टॉक पे ही रखा है। देन यूज्ड कस्टम कलर, यहाँ पे जो कलर है यहाँ पे आप कर सकते हो एडजस्ट, जो कि हमें यहाँ पे मिलता नहीं है ऑप्शन, जो मैंने आपको दिखाया यहाँ पे कलर चेंजिंग का ऑप्शन नहीं है, बट यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप यहाँ पे कुछ चेंजेस कर सकते हो कलर्स के साथ। एंड थीम का ऑप्शन होने के बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन, और इसको आप नॉर्मली ऑन कर देना क्योंकि ऑफ रहते हैं, वाइब्रेट टू कॉन्टैक्ट एंड वगैरह। एंड उसके साथ मिसलेनियस में अगर बताऊँ तो यहाँ पे स्वाइप टू स्क्रीनशॉट थ्री फिंगर वाला, यही एक ऑप्शन है एंड अभी फ्यूचर में ऐड हो जाएंगे। एंड यहाँ पे लॉग आइटम्स में कुछ भी नहीं है, अभी तक आया नहीं है, नेक्स्ट अपडेट में आ जाएगा, फिंगरप्रिंट में भी नहीं आया है। देन बात करूँ बैटरी ऑप्शंस की, तो यहाँ पे लेफ्ट यहाँ पे बैटरी टेक्स्ट का ऑप्शन है एंड बैटरी स्टाइल का ऑप्शन है। यहाँ पे करियर लेवल्स कुछ भी नहीं है इसमें, क्लॉक ऑप्शन में भी कुछ भी नहीं है, खाली है बिल्कुल। आइकन मैनेजर में आपको मिल जाता है शो ब्राइटनेस स्लाइडर, जो कि आपको यहाँ पे डायरेक्ट दिखता है, उसके साथ शो बॉटम स्लाइडर एंड क्यूएस पैनल यहाँ पे आपको बड़ा करने के बाद भी दिखेगा। एंड उसके साथ अडेप्टिव ब्राइटनेस बटन, इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं आप। एंड शो ब्राइटनेस स्लाइडर बॉटम, बॉटम में आपको यहाँ पे नीचे ले लिया मैंने और यहाँ पे भी नीचे ले लिया, ये कस्टमाइजेशन यहाँ पे अवेलेबल है। एंड आगे चल के बहुत सारे कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिलेंगे। उसके साथ बात करूँ तो आइकन मैनेजर की, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ सिस्टम नहीं है, बस एक ही ऑप्शन है। क्लॉक्स में भी कुछ भी नहीं है, क्विक सेटिंग में आपको मैंने बता दिया। ट्रैफिक इंडिकेटर में आपको मिल जाता है यहाँ पे ऑप्शन, आपको स्टेटस बार में चाहिए कि क्विक हेडर में चाहिए। एंड ओके, देन अगर नेक्स्ट पर जाओ तो बटन्स का ऑप्शन देखने को मिलता है, बट उसमें कुछ भी नहीं है। नेविगेशन में यहाँ पे है नेविगेशन बार टॉगल, शो एरो कीबोर्ड टाइपिंग एंड सिस्टम नेविगेशन का ऑप्शन है, जो कि यहाँ पे तीनों नेविगेशन अवेलेबल है। एंड उसके साथ पावर मेन्यू है, पावर मेन्यू में भी कुछ भी नहीं है फिलहाल के लिए। एंड नेटवर्क एंड इंटरनेट को ऐसे ही इन्होंने करा है, मतलब कुछ थोड़ी स्टाइल यहाँ पे चेंज करी है। बैटरी 52% बैटरी यूजेस में आपको दिखा देता हूँ, बैटरी यूजेस बहुत सही है, बैटरी बैकअप भी बहुत सही है मैं कहूँगा, एंड कुछ भी दिक्कत नहीं है यहाँ पे। एंड बैटरी स्टैंड में देख सकते हैं आप 3 आवर्स 32 मिनट का, नेटवर्क के लिए सिर्फ 4% यूज़ करा है, बहुत सही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी यहाँ पे। बैटरी मैनेजर एक्सेट्रा सब फीचर्स है, बैटरी सेवर भी है। एंड ऑब्वियसली दिस इज नॉट जेब्स बिल्ड, ये वेनिला बिल्ड है, तो यहाँ पे हो सकता है कुछ फीचर्स कम हो, जो कि पिक्सलिश फीचर तो यहाँ पे नहीं है, प्योरली AOSP कस्टम रोम है। एंड डिस्प्ले में आपको लेकर चल रहा हूँ, यहाँ पे सभी के सभी फीचर्स वर्किंग है एंड यहाँ पे आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो। देन मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका परफॉर्मेंस कैसा है, तो परफॉर्मेंस में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई, सभी ऐप ने परफेक्टली रनिंग करा, एडिटिंग एक्सेट्रा में भी कोई दिक्कत नहीं लगी, परफॉर्मेंस सही है, लैग एक्सेट्रा मुझे देखने को नहीं मिला, नॉर्मल सा लैग देखने को मिल जाता है। एंड वन थिंग मुझे यहाँ पे नोटिस करी मैंने, जो कि यहाँ पे जब मैं इसको ऑन करता था फिंगरप्रिंट से डायरेक्ट, एंड जब भी मैंने ऑन करा तो ये जो यहाँ पे आइकन्स है ये कभी कभी लोड नहीं होते थे, देन मुझे ऐसे स्वाइप करना पड़ता था तो अब आ जाते थे, तो ये दिक्कत मुझे यहाँ पे देखने को मिली। तो कोई मेजर थिंग नहीं है, ये हो सकता है कि जी एप्स मैंने जो इंस्टॉल करे है उनको सपोर्ट नहीं करता वो अच्छे से, या फिर और कोई जी एप्स इंस्टॉल करने चाहिए थे, ऐसा कुछ हो सकता है, ये मेरा मानना है, बट कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हो। अगर आप बैटरी बैकअप के लिए इंस्टॉल करना चाहते हो तो आप इसको डेफिनेटली इंस्टॉल कर सकते हो, आई विल रिकमेंड यू फॉर बैटरी बैकअप। जितने भी एंड्रॉयड 12 कस्टमर यूज करे मैंने, सबसे ज्यादा बेहतरीन मुझे यहाँ पे देखने को मिला बैटरी बैकअप। अगर आपको थोड़े से कस्टमाइजेशन चाहिए एंड एक बहुत सही बैटरी बैकअप, उसके साथ नॉर्मल परफॉर्मेंस चाहिए एंड पिक्सल फीचर्स आपको अगर नहीं चाहिए, लाइक यहाँ पे गूगल फोटोज का अनलिमिटेड बैकअप नहीं मिलता है एंड अदर पिक्सल फीचर्स जो देखने को नहीं मिलते, अगर वो आपको नहीं चाहिए तो आप इसके साथ जा सकते हो। वरना अभी मैंने एक और कस्टम रोम डाउनलोड कर रखी है, जो कि पिक्सल 6 प्रो का पोर्ट है, उसको मैं अभी आज इंस्टॉल करूंगा एंड उसका वीडियो जल्दी आएगा आपके लिए। जिन आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, स्टे ट्यून्ड ऑन चैनल एंड मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड।